वैक्सीनेशन में छूटे हुए लोगों के लिए अगले 3 दिन तक गांव में स्थायी रूप से मोबाइल वैक्सीनेशन तैनात करने के कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। जिले में अब तक 92% वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुके हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने टीएल बैठक में जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में 10 से ऊपर 100 तक व्यक्ति वैक्सीनेशन से छूट गए हैं, वहां पर आगामी 3 दिनों में स्थायी रूप से मोबाइल वैक्सीनेशन टीम भेजकर 100% वैक्सीनेशन करवाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि शनिवार तक सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों से 100% वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र प्राप्त करके जिले को 100% वैक्सीनेटेड जिला घोषित करने के लिए प्रतिवेदन राज्य सरकार को भिजवाया जाए। उल्लेखनीय है कि जिले में 25 अक्टूबर की स्थिति में कुल 14,45,633 व्यक्तियों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लग चुका है। यह वैक्सीनेशन के लिए पात्र कुल जनसंख्या 15,63,902 का 92.44% है। साथ ही कलेक्टर ने आगामी 1 नवंबर से सेकेंड डोज के लिए अभियान चलाकर 31 दिसंबर तक सेकेंड डोज का भी 100% वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में वर्तमान स्थिति में 7,58,519 व्यक्तियों को सेकेंड डोज लग चुका है। यहाँ कुल पात्र जनसंख्या का 48.5% है। बैठक में अपर कलेक्टर रवि प्रसाद, जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे, नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, जिले के सभी एसडीएम एवं सभी विभागीय प्रमुख मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में सेकेंड डोज का बैकलॉग 3.57 लाख हो गया है, इसलिए अभी एसडीएम पात्र लोगों को फोन कॉल लगवाएं व उनसे संपर्क करें, उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर आए। किसी भी स्थिति में आगामी 2 माह में वैक्सीनेशन का दूसरा डोज भी पूरा करना है। वैक्सीनेशन के लिए हमें लक्ष्य मिला है कि हम 100% अपने शहरी क्षेत्र जो है उसका कंप्लीट कर लें वैक्सीनेशन। उसके लिए सभी लोगों से यह अपील है कि नगर निगम क्षेत्र ने अभी तक अच्छा कार्य करते हुए 93% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया, परंतु जो 7% लोग बचे हुए हैं वो कृपया करके आके केंद्रों पर हर रोज प्रतिदिन वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, वहाँ पर आकर ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हमारा जो शहर है वो 100% वैक्सीनेटेड घोषित किया जा सके।